इशारे भजनों में न करिए हरि भजन रे कारण बिन गातन करिए ओ बगीचे में कई तरह का फूल हुआ तरह का कई तरह गुलाब रहा मोगरा रहा पीछे गोभी रहा फूल हुआ पानी तो पड़ा पड़े ना आजाद दिखा लीजो कभी लिखे सत संगत में बैठ तो बात ज्ञान नहीं करिए बैर बुराई बातों निंदा ईर्ष्या भजन में ना करिए सत्संग में बैठ रहे कि चुगलियों हैं बातों है ईर्ष्या है निंदा है ऐनी करनी और लिखे एकण रंग एकण वर्ण एकण घाट करिए अरे तप धारी रा देख तमाशा खमा खमा करिए अपने दादा खेताराम जी महाराज तुलसाराम जी मौजूद है ध्यानाराम जी मौजूद है हर समाज में संत रहा है अपदड़ी रंग अपदड़ी वरण जिन प्रकृति में अपे पैदा हुआ उन प्रकृति में रमेश जी वही पैदा हुआ कई संत धाम पधार गया हजारों लोग मोर मंदिर बनावे ना आज भी वाने खम्मा खम्मा करी अपे ए निकली जातो तो रोमन समाई नहीं करे क्योंकि मोर मलारो प्रताप है एकण रंग एकण वरण एकण घाट करिए अरे तप धारी जा देख तमाशा खम्मा खम्मा
और कहे सोना चांदी पड़दे धरिए लोवा चौक जगी कौन दिन पूत तड़ी हाट पर उम्र होई यो न पांच तोला होनो लादो रस्ते में ना काल एड़ी गुला दिन क्योंकि कीमत रु दियो ने तोला 58000 पे लागे कितो जतन करो कमरे में कमरो कमरे में कमरो कमरे में बक्सो बक्सो अंदर बक्सो तालो कमरे तालो हॉल तालो लॉबी तालो मेन गेट रो तालो बाड़े रो तालो चार बार ट्रैक रो कटी खुलो नी रेगो और रमेश जी लो हड़को माती पड़ियो रे लेकिन काम पड़े झगड़े में दावे सूर बिरो सड़िए रणभूमि में तलवार चले बार रमेश जी लोरी उड़ो होनो काम नहीं आवे और होने रा भावे आज होनो लाग री के तोलो दे जो आप लेवण की कोशिश करोला अन हागी होनो लोरे भाव गयो तो गलम कोई को गाले तो पीड़ो छोड़ दिखतो क्योंकि कवि लिखे नपो है तो को भाव में ही आज चाहे मैं भजन गाऊं चाहे कौन जी गाऊं चाहे पूनम जी गाऊं चाहे कोई गाऊं लेकिन जड़ तक श्रोता भक्त सुनन वाले और गावन वाले एक भाव नहीं है तो जड़ तक जाकर ना कोई मतलब नहीं है क्योंकि भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावे खेती भावे चाकरी भावे जो व्यापार करो भावे चर्चा करो राम री थन पण आवे जड़ी क्रिया करो पण होनो चाहिए भाव और कहे सत्री संगत नित बैठो ध्यान शब्दों रो करिए जैसे आज जागना है तो चेतावनी पद है तो चेतावनी पद के वास्ते है उन शब्दों रो पर संत महात्मा किन प्रकार समझायो जीव ने उन बात रो पर ध्यान करनो दया गरीबी और आदरता पापी तो त्रिए पूर्ख दास सदगुरु ने भरोसा कर त्रिए अगर हाथा गुरुमराज में जाए तो भरोसा गुरु बेड़ो पारो नहीं तो रमेश जी लिखे मिनी गुरु बुले ने किनो वरण उजलो दैक पार की भूत रे दोनों री गत एक बाट जड़े भुजंग ने कर मन ती दोष हाथे किना कोमड़ा ने किने दीजे दोष तो ओ न मर्यादा राखनो भजन है अब नमस्कार कोई भी आवे जैसे वो आया तो आप भी जय माता जी री जय दाता री जय रघुनाथ जी री जय सिया राम आप अपने इष्ट नमस्कार है तो जागरना भी नमस्कार है माली समाज में लिखमाराम जी संत है अमरपुरा नागौर में भी नमस्कार लिखा है कि भाई पांच नमस्कार बच्चों पांचवी साल में प्रवेश करे और पांचवी साल में बुद्धि रूप विवेक हो गया और बुद्धि रूप विवेक होने के बाद में ये पांच नमस्कार करना शुरू कर दे तो बन कोई अखाड़ा माते तीर्थ माते कटी जाऊं नहीं जरूरत नहीं रे पर नमस्कार करे जाने केड़ा निमन बड़ी संसार में और निमनो बे सोनी वा निबे नदी रो बूंदरो वो रहे नदी रे भी निबे दियो बायो बली रे निबे जी दाड़ मदाक इरन बिचारा क्या निवे गरी ओची कई देसा निमन निमन में फेर है न जानो सब एक दगाबाज दूरो निवे करी नजरा सामी दे निमनता नरमाई आज नरमाई रेवत समय जी मैं थोड़ा करना हूं कि मैंने 500 रुपया चाहिए नरमाई आओ जो दे मंदिर दे वो और कढ़ाई माओ जो 5 रुपया को दो गाला पड़ पता ही रिकॉर्ड हैं कभी लेके नरमाई में नपो घणो कढ़ाई में कांटा अरे कढ़ाई कीनी राजा राउंड राम जी निकाल दे कांटा लंका की हबील कर दी पर नरमाई में फर्क है भाई 12 महीने रोमन सामान नहीं करन एक दिन हल्लो लंबो वजन हम लेनो भाई रे कीन की गड़बड़ है तो कहवे ए मूली कमला पर अरे चेतन चौकी भाई गणपति आसन दरिया जी कमल पर चेतन चौकी गणपति आसन दरिया आसन पूरी अटी भाई बेटा आसन पूरी एक अटी को है बेटा जब अजबाज पिया मुंगा तू भाई ये बिना निवन उन दिया जी
हेलो नमस्कार माँ 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 कहती बूढ़िया क्या करे मुंडो भरी दे माँ माँ 80 साल की है बेटो 8 साल है बेटे ने बेटा पोता है लेकिन हूँ थोड़ा माती आप बेटे की पार दे कर मारो छोरो कह रहे आयो और रमेश जी जिन टाइम बेटो कह रहे आई पिताजी कही गई कि तो कमार लायो लुगाई कही कि ना बाजार लाया टाबरिया कही पापा मारे कहीं लाया लेकिन माँ कही बेटा सुबेरो गेड़ो है जारो जोंकल करिया को करिया नहीं रोटी खाई कौन खाई रोटी बाटी जिमी को जिमी क्योंकि माँ माँ बिना सजनों आदर नहीं है और माँ एक नहीं है अब देखो देखो जन्म दादी की माँ एक है नहीं संसार में रमेश जी नौ माँ है और नवी माँ ऐसी दयालु है चाहे बेटो अधर्मी पापी कुकर्मी धर्मात्मा कड़ी हो जाए अंत मनु माँ उन्हों बुरो नहीं चाहे नौ किसी माँ पहली माँ जन्म दे देगी दूसरी धरती तीसरी शक्ति आज मारे पगों में शक्ति नहीं और थोड़ा हमें ऊंचान लाया अंदाता ने कह दियो मोहल्ले कौन आया कौन के पीरा कोडा उठे उठे बाकी 10 बार आ जाऊं हैं क्योंकि कभी लिखे शक्ति बिना भक्ति नहीं भक्ति बिना योग नहीं योग बिना संजोग नहीं संजोग बिना पीरे नहीं तो बैराग नहीं बैराग नहीं तो प्रेम नहीं प्रेम नहीं तो विश्वास नहीं और विश्वास नहीं तो भगवान कटी अपने में अपने को नहीं तीसरी शक्ति चौथी गाय पांचवी गंगा छठी विद्या सातवीं जुगति आठवीं भक्ति और नवी है मुक्ति तो कहे हैं पहलो नी मने मारे हरी माता पिता ने पुत पुत पालन करी अरे तू जो नी मने धरती माता ने तू जो नी मने मारे धरती माता ने जिन पर भजना दरिया मोता तू भाई बिना भजन जो दीवान ये चंदा सूरज ने जगत आई उजाला करिया जी ये कानो दीवान इंद्र देव ने कानो दीवान इंद्र देव ने मान सरोवर भरिया मोता तू भाई ये बिना भजन ये पूरा पीरा ने हृदय उजाला करिया ये गाणो दीवाना इन ससरी संगत ने गाणो दीवाना इन ससरी संगत ने ए दिन में जाए सुदरिया मोता तू भाई ये बिन भक्ति अरे गुरु किम जी सरने लिख मोदी बोले गुरु किम जी सरने ये लिख मोदी बोले ये फूल परम सबर करिया साधु भाई ये बिना भजन हरिद्वार ने मात की जय हो
अजर अमर आत्मा की बोल ब्रह्मा जी महाराज की जय हो परम क्षेत्रेश्वर भगवान की जय हो मत मारुक लिखे पांच नमस्कार पहले नमस्कार माता पिता ने दूसरो धरती माता ने तीसरो चांद सूरज ने चौथो इंद्र देव ने पांच गुरु और अब चौथी में आपने गुरु वंदना सुना रही हूं लेकिन आजकल रमेश जी गुरु नहीं कहे गुरु कही कही पूछ लियो ने काई करिया गुरु गुरु नहीं गुरु सही शब्द है गुरु गु का मतलब अंदर रू का मतलब प्रकाश लेकिन गुरु नहीं गुरु हम पूछ लो गुरु कर दिया गाओ कर छोड़ियां कर काडियां छोड़ियां काडियां कर यही क्यों हैं और सही शब्द है गुरु गुरु किन के आपने ध्यान है गुरु संस्कृत में आठवीं क्लास में पाठ है गुरु मैंने लिख लो गुरु गुरु शब्द का अर्थ है नील गाय यानी रोजड़ो रोजड़ो जिन्हें गुरु कहा करे संस्कृत में बाकी गुरु छह जे करो या मत करो छह गुरु किया है माता गुरु पिता गुरु दायन गुरु जगह मनाज गुरु धरती माता गुरु स्कूल में शिक्षा दे दो गुरु सात सात सतगुरु जो भरोसा गुरु बेड़ो पार कर बाकी ना गुरु है गुरु नहीं है वो क्योंकि नानक जी महाराज के एक साखी में गुरु गणा नानक आते ले रात पैसा गुरु पता सले पकोड़ो रा साठ दीनी थी पर लागी कोनी बंक दान में फूंक गुरु बेचारा कहीं करे रेगी चेले में चूक गुरु लोभी शिशि लाल सी मिलकर खेले दाव अरे दो नहीं भव सकर भूसी बैठ पत्थर की नाव गुरु कहवे लेव रोकड़ा चलो के बाप जी काल भरे कई दिन कर दूं उदार कलयुग गुरु से तमले एक डीपी रचार तो करना में घाटू नहीं है तो एक गुरु वंदना क्योंकि कवि लिखे राम कृष्ण से कौन बड़े वो भी सतगुरु कीन तीन लोग रावे धनी गुरु आगे आदि प्रभु राम सो आपे कोई बड़ा नहीं है और गुरु कर लेना क्योंकि रमेश जी गुरु नहीं कर रहा है तो अपन कबूड़ो ने चुगो दियो की मतलब नहीं लिखित में नहीं है क्योंकि गुरु बिन माणा फेरता गुरु बिन देता दान गुरु बिन सब पे काम है चाहे बाचो वेद पुराण गुरु बिन कोई कार्य नहीं शाखा नहीं तो एक गुरु वंदना उन बाद में गंगा जी ने वंदना आ डोंगरी रात हरिद्वार वहां पे डोंगरी क्यों लाओ ए चुटिया तो अपन बाजार में मिले है ए हरिद्वार क्यों जावा गंगा कौन है कौन लेन आयो और कठंग आईए कितना दिन ड्रेवेला अब आमद हो तो गा पे पाप करिया जावन गंगा धोने दाई अपने में हुआ है इन